आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही आसानी से बनने वाला ब्रेड पिज्जा की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होप विद दीदी। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड ली हुई है। आप कोई भी ब्रेड, ब्राउन या वाइट ब्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। बटर बहुत ही थोड़ा सा लगाएंगे जिससे कि अच्छे से बेक भी हो जाए और साथ में टेस्ट भी अच्छा आ जाए। ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, ब्राउन या वाइट ब्रेड, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। और अब हमने इस पर बटर थोड़ा सा लगा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस आता है वो हम थोड़ा सा इसमें लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ये पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप क्या करें, टोमेटो केचप लेके उसमें थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गार्लिक और साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करके इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर सकते हैं। अब एक बाउल में हमने लिया हुआ है बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी यानी कि कैबेज, बारीक कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, और उसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे मायोनीज सॉस ऐड किया हुआ है, अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा जो मिक्सचर है ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड में इस तरीके से रख के अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये जो वेजिटेबल का जो मिक्स था वो इसमें रख दिया है। और अब हम एक ग्रेटर ले रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, ये जो चीज़ होता है मोज़रेला चीज़, ये बहुत ही अच्छा रहता है पिज़्ज़ा के लिए। तो हम यही वाला चीज़ थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, चीज़ी टेस्ट आएगा, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। और इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अभी हम चीज़ रोक लेंगे जो हम बाद में ऐड करेंगे। और बहुत ही ज़रा सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, बहुत ही थोड़ा सा, एक चुटकी नमक। उसके बाद थोड़ी सी शिमला मिर्च हम ऊपर से बिछा देंगे और साथ में बारीक कटे हुए टमाटर और ये स्वीट कॉर्न वो भी हम इसमें रख देंगे। और थोड़ी सी हम यहाँ पे प्याज इस तरीके से इसमें बिछा देंगे। तो देखिए, सभी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ हम और ऐड कर देंगे जिससे कि ये लुक वाइज भी अच्छा लगे और टेस्ट तो अच्छा होगा ही। थोड़ी सी ऊपर से हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स वो भी स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में ये ओरिगैनो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये लीजिए ब्रेड पिज़्ज़ा, इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बट अभी हम इसे बेक करेंगे। तो थोड़ी सी शिमला मिर्च और हम ऊपर से रख देंगे क्योंकि अभी जब ये इसमें चीज़ मेल्ट होगा तो थोड़ा सा ये दिखेगा कम, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से और इसमें लगा देंगे सब्जी वगैरह। और अब गैस ऑन करके हम एक पैन रखेंगे और पैन में हम थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा इसमें हम बटर लगाएंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, ब्रेड में हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेड को रख देंगे, जिधर हमने बटर लगाया था वो साइड पैन की तरफ होगा और जिधर हमने स्टफिंग इस पर लगाई हुई थी ये चीज़ वगैरह वो साइड ऊपर की तरफ होगा। और मैं इसमें पनीर लगाना भूल गई थी थोड़ा सा, तो आप पनीर के बारीक टुकड़े जो है कट करके वो इस तरीके से इसमें रख दें और इसे ढक करके गैस की लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रेड हमें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो लेकिन अगर हम गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो फिर ब्रेड नीचे से जल जाएगी बट इसका जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं होगा। तो देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ये बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है। आप देखिए, पूरा चीज़ी चीज़ी हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है। मैं इसे आपको बैक में दिखाती हूँ। ये देखिए, पीछे की तरफ ब्रेड कितनी अच्छी, बहुत ही क्रिस्प बेक हुई है। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही आसानी से कट हो जा रहा है और ये खाने में इतना टेस्टी, ऊपर से चीज़ी और नीचे से क्रिस्प रहेगा कि आप इसे जब भी बनाना चाहेंगे आपको ज़रूर टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। आप चाहे इसे 2 पीसेस में या फिर 4 पीसेस में कट करें, ये आपके हिसाब से। तो देखिए, चीज़ी लग रहा है, आप जितना इसमें चीज़ ऐड करेंगे ये उतना ही चीज़ी बन के तैयार होगा। तो मैंने इसे 4 टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए है ना कितना बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड, इसे फटाफट बनाइए, चाहे आप छोटी मोटी पार्टी में बना सकते हैं या फिर घर में सुबह शाम जब भी भूख लगे फटाफट आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर